दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। भ्रम मिटाने हेतु एक आसान प्रयोग, यह नियम समझ लो कि जिसका जिस मात्रा में दृष्टा मजबूत होगा उसी मात्रा में उसके दुख व चिंता कम होते चले जाएंगे। आप आत्मा हैं, आप एक शुद्ध दृष्टा हैं, आप सिर्फ देखने वाले हैं, आप ना तो शरीर हैं और ना ही शरीर के कोई अंग है। अब यह कहने को तो ठीक है, परंतु इसे माने कैसे, इसका अनुभव कैसे करें? स्वयं को शरीर मानने का भ्रम इतना गहरा व पुराना है कि यह भ्रम तोड़ें कैसे? अब चाहे जो हो, यह भ्रम तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर जीवन बनने वाला नहीं है। तब तक दुख और चिंता के एहसास मिटने वाले नहीं है। यह नियम समझ लो कि जिसका जिस मात्रा में दृष्टा मजबूत होगा उसी मात्रा में उसके दुख व चिंता कम होते चले जाएंगे। क्योंकि आपकी सारी परेशानियों की जड़ ही तो यह भ्रम है कि आप एक अलग से शरीर हैं, जिसका कोई नाम है, जिसके कोई जाति व धर्म है, जिसके अपने मान सम्मान व संपत्ति हैं। अब यह सब आप हैं तो फिर तो कष्ट होगा ही, क्योंकि इन सब में ऊंच नीच होते ही रहेंगे और अपना मानने के कारण इन सब में होने वाली हर ऊंच नीच से आप प्रभावित भी होते ही रहेंगे। और आपकी सारी शिक्षाएं शरीर होने के भ्रम को मजबूती प्रदान करना ही सिखा रही हैं। सभी शिक्षाएं शरीर और उसके भिन्न भिन्न अंग को एक या दूसरा करने को उकसा ही रही हैं। ऐसे में आप शरीर नहीं हैं, यह भ्रम टूटे भी कैसे? तो समझदार हो तो इस बात से इतना तो समझ ही लो कि कैसी कैसी गलत शिक्षाओं के जाल में आप उलझे पड़े हैं। मैंने तो तगड़ा इशारा कर दिया, अब देखना यह है कि कौन कितनी जल्दी मायावी ज्ञानों से अपनी जान छुड़ा पाता है। खैर, अभी तो इतना समझ लो कि यदि आप स्थायी तौर पर अपने को दृष्टा नहीं मान पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, परंतु यह भ्रम तोड़ने हेतु जो एक प्रयोग बताता हूँ, कम से कम वह तो करो, क्योंकि जीवन बनाने हेतु यह भ्रम कमजोर तो करना ही पड़ेगा। बात बात पर दुख चिंता व भय पकड़ते रहने को जीवन तो नहीं ही कहा जा सकता है। अतः रोज रात को सोते वक्त 10 मिनट आंख बंद कर एकांत में बैठे और दिन भर की घटनाओं पर मनन करें। निश्चित ही जो कुछ भी दिन भर घटा है उसे आपने अपना मानकर गंभीरता पूर्वक झेला है, उसके सुख दुख के झटके आपने सहे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम रात को सोते वक्त तो उन झटकों से मुक्त हो जाओ। उदाहरण के तौर पर यदि मेरा कुछ नुकसान हुआ है तो यह मनन करो कि नुकसान तो दीप का हुआ है, मेरा क्या, मैं तो वह देखने वाला हूँ जिसने दीप को नुकसान होते भी देखा तथा उसको नुकसान का बेवजह दर्द झेलते भी देखा, पर मैं तो दीप हूं नहीं, तो मैं क्यों चिंता बनूं? किसी से झगड़ा हुआ है या किसी ने अपमानित किया है तो भी मनन करो, मनन करो कि अपमान तो दीप का हुआ है, मेरा थोड़े ही हुआ है, मैं क्यों क्रोध में या गम में सोऊं? मैं कोई दीप थोड़े ही हूँ, मैंने तो देखा कि दीप बेवजह अपमानित हुआ, बेवजह दीप को दुख हुआ, पर मुझे क्या। लगातार के इस प्रयोग से आपको चैन की नींद आनी शुरू हो जाएगी और जब नींद शांतिपूर्ण होगी तो सुबह भी बड़ी हसीन होगी। उसी शांत मन से सुबह फिर एक बार 5 मिनट एकांत में मनन करने बैठ जाओ और अपने को समझाओ कि आज दिन भर जो कुछ भी करना है वे दीप के कर्म है, तो उसे करने दो, उसके परिणाम जो कुछ आए उन्हें दीप को अपनी मनोदशा अनुसार झेलने दो। मैं तो बस यह खेल देखूंगा, क्योंकि मैं तो दीप जो कुछ भी दिन भर खेल खेलेगा उसका दृष्टा मात्र हूँ। बस अपने को दिए इस 5 मिनट की बदौलत दिन भर आप हल्के रहेंगे और जब आप लगातार शांत व हल्के रहेंगे तो फिर इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर जल्द ही आप स्वयं को अपने दृष्टा के निकट पाएंगे और जिस मात्रा में आप अपने दृष्टा के निकट आते चले जाएंगे फिर उसी मात्रा में आपकी प्रकृति के रहस्यों से ट्यूनिंग बैठती चली जाएगी। यह एक ऐसी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है कि इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, यानी इस एक प्रयोग से ना सिर्फ आपके दुख व चिंता कम होंगी बल्कि इससे जीवन एक नई ऊंचाई छूना भी प्रारंभ कर देगा। मुझे उम्मीद है कि अपने लिए यह 15 मिनट तो आप निकाल ही लेंगे।